हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी। वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली गाइस, जिसका आपको इंतजार था वो आ चुका है। सीएमए इंस्टीट्यूट ने 1 नवंबर 2020 यानी आज की ही तारीख में अपना जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। आइए मुद्दे पर आते हैं सीधा कि नोटिफिकेशन में जो इंस्टीट्यूट है उसने क्या डाला है। कुछ चीजें जो थी वो पहले से हमें क्लियर थी दोस्तों कि पहला हमारा सेंटर बेस्ड एग्जाम है, होम बेस्ड भी है, ऑप्ट आउट ऑप्शन भी इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। तो आइए के करके पढ़ते हैं चीजों को। ऑप्शन वन है सेंटर बेस्ड है, सेंटर पे जाकर अगर हमें देना है तो दे सकते हैं। अगर अगर हमें लगता है कि हमारे पास इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी है, कोई इशू नहीं होगा, तो आप सेंटर होम बेस दीजिए। ऑप्ट आउट ऑप्शन, अगर आपको लगता है तो ऑप्ट आउट ऑप्शन में क्लियर है आपके जिस ये डाउट को ना, बस आप क्लियर कर लीजिए। अगर किसी की कोई बोल लोग कोई बोलता है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको एग्जम्पशन भी मिली हुई है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होगी। हर एक चीज कैरी फॉरवर्ड होगी, चाहे वो फीस हो, एग्जाम फीस हो, कुछ भी हो वो होगा। पर एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपने मान लीजिए होम बेस्ड सेलेक्ट कर लिया है तो आप जो है बाद में सेंटर बेस्ड नहीं कर पाएंगे। जो मुझे थोड़ा सा पर्सनली बोल रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये मुझे नेगेटिव लग रहा है। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान ना करे, मान लीजिए किसी ने सेंटर बेस्ड एग्जाम लिया, ना करे किसी स्टूडेंट को कोविड-19 एग्जाम के पास नजदीक आने पर हो जाए, तो वो सेंटर बेस्ड तो नहीं जा पाएगा। वो तो इंस्टीट्यूट को ऑप्शन भी देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा देखेंगे क्या बोलता है मुझे, मतलब इंस्टीट्यूट क्या बोलता है। लॉजिकल बात है, मान लीजिए अभी तो चलो ठीक है, मान लीजिए अभी आपने सेंटर बेस्ड कर दिया और मान लीजिए एग्जाम से 2-4 दिन पहले के कोविड पॉजिटिव हो गया बंदा, फिर भी अगर एग्जाम देने की हिम्मत दिखा रहा है तो तब क्या होगा उस केस में। तो इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। आइए हम देखते हैं आगे। ऑल स्टूडेंट विल हैव टू अपियर इन द मर्ज इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन इन दिसंबर। इतना जो जून वाला वो मर्ज हो गया था, क्लियर बताया हमें। ऑनलाइन मोड यूजिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन बिल्कुल क्लियरली ना है, पहले से ही ना था। तो आइदर ऑप्टिंग होम बेस्ड ऑनलाइन और इतना द मर्ज एग्जामिनेशन सेंटर बेस दे दीजिए या होम बेस दे दीजिए। कैंडिडेट स्टूडेंट हैव टू अपियर द इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन बिफोर, इतना लिंक दिया हुआ है आपको। नेसेसरी इंफॉर्मेशन डिलीवरिंग ही विच हैड टू लिखना, यानी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी कि आप सेंटर बेस ले रहे हैं या होम बेस ले रहे हैं या ऑप्ट आउट ऑप्शन ले रहे हैं, आपको दे देना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करोगे आप इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे, ईमेल आईडी हो गया, पास ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, उसमें आपको डिटेल आ जाएगा आपके लिए। कैंडिडेट स्टूडेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड द करेक्ट इन यूज करेक्ट एंड अपडेटेड, यानी जो भी आपको डिटेल देनी है नखी नखी 100% ये जो है फाइनल डिसीजन होगा आपका। इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। फर्दर नंबर हो गया आपका, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया आपका, होम बेस ले रहे हैं या सेंटर बेस ले रहे हैं या ऑप्ट आउट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा आप कि सेंटर बेस ले रहे हैं या होम बेस ले रहे हैं या फिर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के लिए ये लिंक है कि आप अपनी डिटेल डाल दीजिए, फाइनल वालों के लिए नीचे दी गई है डिटेल आपको। जो फाइनल वाले हैं उनके लिए जो लिंक है दोस्तों वो नीचे दिया गया है। एग्जाम पर भी फोकस रखिएगा आप। नोटिफिकेशन तो आएंगे और आएंगे और आएंगे, वीडियोस भी जो हम लोग अपलोड करते हैं वो करेंगे, लेकिन आपको जो मेन प्रायोरिटी अपना फोकस रखिए अपनी स्टडी पर। बस आप वीडियो को देख लीजिए और बस अपना फोकस रखिए स्टडी पर। इन द केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैंडिडेट स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड देयर क्रेडेंशियल इन द अबव लिंक, जो आपको ये लिंक दिया गया फाइनल के लिए और इंटर के नीचे था। कैंडिडेट स्टूडेंट मस्ट हैव अ पीसी लैपटॉप डेस्कटॉप विद इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड पावर बैकअप और अपीयर इन द ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम एनी टेक्निकली फॉलो इतना। सिंपल सा ये बोलना चाह रहे हैं कि होम बेस्ड अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी, अगर आपका पावर फेलियर होता है, आपका इंटरनेट का इशू आता है, तो वो आपकी है इशू। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, मान लीजिए कि सर ऐसा है कि काफी सारे स्टूडेंट के साथ ये इशू आया था, अगर इंस्टीट्यूट का सर्वर में अगर इशू है तो दोस्तों जिस तरीके से फाउंडेशन का एग्जाम और हुआ था आप लोगों का, अभी 100% होगा एग्जाम। अगर कुछ ऐसा होता है कि ये सबके लिए ही कॉमन इशू है तो वो तो होगा ही होगा। सेंटर बेस्ड एग्जाम देंगे तब तो कोई इशू नहीं, अगर पूरे सेंटर पर ही एप्लीकेबल होगा फिर वो तो। वैसे इंस्टीट्यूट ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप तैयार हो जाइए, हम तो तैयार है, हमारे पास जो सर्वर है वो बिल्कुल बूस्ट अप एकदम बढ़िया वाला सर्वर है, कोई इशू नहीं आएगा, 100% गारंटी दे रहा है इंस्टीट्यूट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इन द केस ऑफ फिफ्थ पॉइंट देखता हूं, इन द केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेंटर बेस्ड ऑनलाइन कैंडिडेट कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर देयर एग्जाम सेंटर इन सबमिट एग्जामिनेशन अपीयरिंग फॉर्म फॉर देना और इट वाज द सेंटर विल प्रोवाइड एन एडमिट कार्ड और सप्लाई ऑफ ब्लैंक शीट इतना इतना। ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब सेंटर बेस्ड एग्जाम देंगे तो आपको ब्लैंक शीट वहां मिलेगी। होम बेस्ड के लिए तो हमने पहले बता दिया था, अभी वो और फर्दर बताएंगे क्लैरिफिकेशन, लेकिन क्लैरिफाई है कि आप जो भी रफ शीट यूज कर रहे हैं तो आप कैमरे के सामने दिखाएंगे कि साहब ये मैं रफ शीट यूज कर रहा हूँ, तो आप उसी को रफ शीट यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि फिर कुछ और रफ शीट यूज कर लेंगे, आपको स्टार्टिंग में जो वेब कैमरा है वेबकैम है उसके सामने आपको कैमरे के सामने आपको दिखाना पड़ेगा। और सेंटर बेस जाओगे, सेंटर बेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमारे इंस्टीट्यूट ने अरेंजमेंट किया होगा आपके लिए, आप जाइए एग्जाम दीजिए और काम खत्म। सिक्स पॉइंट पर आते हैं दोस्तों।
सिक्स पॉइंट देखते हैं, फॉर ऑल द कैंडिडेट स्टूडेंट इंक्लूडिंग बोथ सेंटर बेस्ड इतना मुफ्त एग्जामिनेशन। अभी उन्होंने कहा है कि जो भी आप डिटेल्स डालेंगे ना, जो पासवर्ड आसवर्ड जनरेट होगा, उसके बाद क्या है कि आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है करेक्ट बनाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर करेक्ट डालना पड़ेगा। और जो भी इंस्टीट्यूट बोलना चाह रहा है दोस्तों कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, और जो मॉक टेस्ट है वो आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेवन पढ़ते हैं हम, और इंटर के लिए तो इंस्टीट्यूट ने निकाल दी है, फाइनल के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि दो चार दिन मान के चलिए इस वीक में तो आ जाएगा, मान के चलिए इस वीक में तो आपका डेफिनेटली आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट तो ये भी बोल रहे हैं कि अगले महीने तो एग्जाम भी आपका नहीं, अब नहीं आएगा तो फिर कब आएगा, ये भी बात ठीक है काफी हद तक। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम, द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ क्रेडेंशियल इज 12 नवंबर। 12 नवंबर इज द लास्ट डेट, आप डिसाइड कर लीजिए ऑप्ट आउट करना है, होम बेस्ड दिना है, सेंटर बेस्ड दिना है, 12 तारीख के बाद कोई चेंज नहीं हुआ। बट मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इंस्टीट्यूट को दिखाना चाहिए कि अगर मान लीजिए कुछ कुछ और चेंजेस होते, मान लीजिए मैंने जैसा कि बोला था कि कोई सेंटर बेस्ड अगर एग्जाम देना चाहता है और उसको कुछ मान लीजिए भगवान करे अगर वो बीमारी मतलब कोविड से पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तब क्या करेगा वो, सेंटर तो जा नहीं पाएगा और थोड़ी इफेक्ट करेगा वो, तो तब उसको होम बेस्ड देना चाहिए अगर वो देना चाहता है तो। वंस यू हैव सेलेक्टेड एन ऑप्शन, या आइदर वो होम बेस्ड हो सेंटर बेस्ड हो, कोई चेंज नहीं होगा, ये सोच लेना आप। 12 तारीख आप लास्ट डेट है आप, पर 12 तारीख का वेट मत करना आप, उससे पहले कर लेना, पता चले कि इंस्टीट्यूट का सर्वर ही नहीं चल रहा है, तो इन चीजों को पहले निपटा लेना आप सोच समझ के। क्वेश्चन पेपर विल कंटेन बोथ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टू जज सब्जेक्ट वाइज एनालिटिकल स्किल्स ऑफ इतना, यानी एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों आएगा, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ने पहले बता दिया था। अगला पॉइंट 10वां पॉइंट, फॉर ऑल द स्टूडेंट कैंडिडेट इंक्लूडिंग बोथ सेंटर बेस्ड और होम बेस्ड, नोटिफिकेशन लॉगिन क्रेडेंशियल पास की फॉर द एग्जामिनेशन विल प्रोवाइडेड इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड योर, ना जब आप ये लिंक पर जाएंगे तो आप सारी डिटेल आपकी बन जाएगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं एमसीक्यू के लिए। इन ऑल द क्वेश्चन पेपर देयर शैल बी टू अल्टरनेटिव, जबरदस्त बात है, और इंस्टीट्यूट ने बोल दी है कि हर एक के लिए अल्टरनेटिव आएगा, इससे बढ़िया तो और क्या चाहिए, एमसीक्यू में नहीं आएगा, ध्यान रखना। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा कि अल्टरनेटिव होंगे, ए और बी करके दे गए, तो कई लोगों को तो ये भी डाउट था कि इस बार के जो एग्जाम होगा ऑनलाइन में ये होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए ये डाउट भी क्लियर हो गया, ये होगा। द डायरेक्टरेट ऑफ स्टडीज हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर, इतना सिंपल सा बोला हुआ है इन्होंने, काफी सारी मात्रा में जो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हमने काफी सारी मात्रा में डाल दिया है क्या मॉक टेस्ट पेपर, इंटर वालों के लिए डाल दिया, फाइनल वालों के लिए 2-3 दिन में डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा वीक मान लीजिए आप, इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखिए, नोटिफिकेशन में तो इंस्टीट्यूट ने दी है। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रैक्टिस दो सीरीज साइमल्टेनियसली एंड रिपीटेडली टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर, इतना देख लीजिए इंस्टीट्यूट खुद ही बोल रहा है, यहाँ पर कई डाउट भी हो रहा है कि इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप इसको प्रैक्टिस करिए, हो सकता है कि मतलब मे बी की पैटर्न यही हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक पैटर्न जो होगा ना एग्जाम का वो ऐसा ही काफी हद तक देखना मिलता जुलता होगा, तो इसको प्रैक्टिस करिए करिए करिए, मैं तो यही बोलूंगा, जड़ी बूटियां हैं एग्जाम को क्लियर कराने के लिए, दिस इज द जड़ी बूटियां फॉर क्लियरिंग द December 20 एग्जाम एज पर माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन मेरा यही है, बाकी आपको देखना है। आइए हम देख लेते हैं अपना लास्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से, अभी तो और भी पॉइंट है, रेलिवेंट नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन लॉगिन क्रेडेंशियल यूआरएल इतना, यानी अभी जो लॉगिन आईडी डालेंगे वहां पे आपको जो क्रेडेंशियल से वो मिल जाएंगे आपको। अ कैंडिडेट शुड हु इज कंप्लीटिंग ऑल द कंडीशन फॉर अपीयरिंग एग्जामिनेशन एज पर द रिविजन विल ओनली बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी जो इनको फॉलो करेगा वही एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। प्रोबेबल डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इतना, यानी अभी बताएंगे कि रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि लास्ट वीक ऑफ जैन आ जाएगा, जो नॉर्मली डेज में हमारा 21 फरवरी का रिजल्ट आता था, लेकिन जितना मेरा लग रहा है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एंड ऑफ जो एंड ऑफ आपका जैन है वो आ जाएगा मेरे हिसाब से। द कैंडिडेट अगर किसी को भी कोई डाउट है कुछ भी है तो आप मेल कर सकते हो exam.helpdesk@icmi.in और exam.online@icmi.in, अगर आप कोई भी मेल डालते हो कोई भी इशू होता है तो मेरे हिसाब से दोनों को टू में डाल दिया करो, या एक को टू में एक को सीसी में, या दोनों को टू में डाल दिया करो, एक को मैं डाला करो, कोई भी डाउट है आप क्लियर एकदम साफ सुथरी लैंग्वेज में लिखो कि साहब ये मुझे इशू है मुझे इसका समाधान चाहिए, आपको समाधान इंस्टीट्यूट देगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल था है, मोबाइल तो बिल्कुल हटा दीजिए, इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि क्रेडेंशियल अपनी डिटेल डालिए, 12 तारीख के बाद आपको चेंज नहीं कर पाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है, यानी एक क्वेश्चन आएगा उसका एक और अल्टरनेटिव होगा, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या बढ़िया न्यूज है, और लगे रहो फोकस ऑन योर एग्जाम। तो यही इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन थी, और भी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आएगा तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी होगा, एग्जाम से रिलेटेड हेल्प नहीं है, कुछ भी पूछना हो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, बाय बाय गाइस।